तो डेमोग्राफी को लेकर जो बातें हो रही है, आपको लग रहा है कि ये बैक टू बैक, ये जैसे पांडू में जो हुआ या फिर नरकोपी में जो हुआ, अनगढ़ा में जो हुआ या दुमका में जो हो रहा है, तो आप क्या मानते हैं सर? देखिए, बाकी जगहों के नहीं कह सकता हूँ, लेकिन संथाल परगना जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ तो निश्चित रूप से डेमोग्राफी गड़बड़ाया हुआ है और बड़ा ही भयावह स्थिति है। सरकार भी मानती है इस बात को, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत क्षेत्र के लिए स्पेशल, जिसको क्या कहते हैं, NRC करा देनी चाहिए कम से कम संथाल परगना में, ताकि किस प्रकार से वहाँ कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आकर के और कब कब लोग आकर के कहाँ कहाँ बसे हैं, तो ये कम से कम जानकारी मिल जाएगी, पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें सब दल को सहयोग करना चाहिए और सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। जिस तरह से अभी आसाम में वहाँ की सरकार मदरसों को लेकर डिसीजन ली है, या फिर उत्तर प्रदेश में भी सरकार जो है मदरसों को लेकर डिसीजन ली है, ये बातें जो निकल कर आ रही है झारखंड में, आपको लगता है कि आप NRC की बातें कर रहे हैं, इसके इतर भी कुछ सरकार को तुरंत में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि NRC तो तुरंत नहीं हो सकता? नहीं, मैं ये कहूँगा कि जहाँ कहीं भी जो गलत काम होते हैं, जिसको बोलते हैं असामाजिक या फिर अराष्ट्रीय गतिविधि, जहाँ कहीं भी होता है और वैसे संस्थान को या संगठन को चिन्हित करके फिर उनको उनके ऊपर प्रतिबंध करने चाहिए। बाबूलाल मरांडी क्या सोचते हैं अभी वर्तमान में जो राजनीतिक हालात, विश्वास मत की ज़रूरत क्यों सरकार को पड़ी, वो कह रहे हैं कि BJP की वजह से ये नौबत आई है? नहीं, मैं तो कहूँगा कि चूँकि विश्वास मत का जो ऐसे कोई संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन नियमावली जो परंपरागत चलती है, या तो गवर्नर या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट विश्वास मत के लिए सरकार को कहती है, तब विश्वास मत सदन में सरकार लाती है। लेकिन यहाँ तो किसी ने कोई कहा भी नहीं है, अपने से ला रहे हैं, तो इसे ये समझ में आता है कि शायद इनको अपने ही लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। और पिछले दिनों ये साफ दिखा, उन्होंने अपने और सहयोगी दलों के विधायक, मंत्री, नेता सबको बस में लद करके, हवाई जहाज में लद करके छत्तीसगढ़ ले गए, फिर वहाँ से ले आकर के आज भी सुनते हैं, उनके घर भी बेचारा जाने नहीं दिया, आज भी सुनते हैं सर्किट हाउस में उन लोगों को बंधक बनाए हुए। तो ये लगता है कि उनका अपने ही लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, तो इसलिए उनको विश्वास मत लाना पड़ रहा है। आपने क्या कहा? आप निश्चित